यूपी के वाराणसी जिले से जहां धर्मांतरण लव जिहाद पर बने फिल्म का प्रीमियर समारोह संपन्न हुआ। जी हां, खबर है यूपी के वाराणसी जिले से, जहां जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण तथा लव जिहाद जैसे मुद्दे हमेशा से समाज में हावी रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे समाज में इनसे जुड़े मुद्दों को लेकर आम जनमानस के बीच नवचेतना का सृजन हुआ है और इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए इन पर फिल्में बनाई जा रही हैं, साथ ही जिन्हें समाज का समर्थन प्राप्त होता भी दिख रहा है, सराहनीय है। विनोद तिवारी जी द्वारा निर्देशित फिल्म द कन्वर्जन समाज में फैले इन्हीं बुराइयों को उजागर करते हुए लोगों में जागरूकता लाने का एक छोटा सा प्रयास मात्र है। इस फिल्म में स्टार कलाकार के अंतर्गत विनोद तिवारी, प्रतीक शुक्ला व रवि भाटिया लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म के निर्माण में राज पटेल, राज नौत्रम और विपुल पटेल का सहयोग प्राप्त हुआ। उक्त फिल्म का प्रीमियर आज दिनांक 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार को सिगरा स्थित मल्टीप्लेक्स आईपी मॉल में सफलतापूर्वक किया गया। उक्त अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्य वक्ता रूप में हिंदू इकोसिस्टम के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि लव जिहाद अथवा धर्मांतरण जैसे कुकृत्य जो लगातार हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए प्रायोजित रूप से किए जा रहे हैं वो अक्षम्य है एवं इस तरह के अपराध करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे समाज में फैले इन कुकृत्यों पर आवश्यक रूप से रोक लगाई जा सके। देखिए रविंद्र गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक शुक्ला और मैंने इस फिल्म में क्या भूमिका है इस फिल्म में और उद्देश्य क्या है इस फिल्म का? फिल्म का मेन उद्देश्य तो यही है, जैसे हमारे फिल्म का उद्देश्य टैगलाइन है सेव आवर डॉटर्स, और इस फिल्म का थीम जैसे पता है लव जिहाद, तो मेन हमारे फिल्म का थीम है। मैं बात करता हूँ किरदार की, ये एक पहले रोमांटिक फिल्म है, इसको कैसे कैसे दिखाया, बिकॉज हम इस टॉपिक को डायरेक्टली ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिनेमा है और आज की युवा को सिनेमा के थ्रू डायरेक्शन दिखाना बहुत ही वो होता है, यानी तो उसके थ्रू दिखाएंगे तो उन तक जल्दी पहुँचेगा, बिकॉज एंटरटेनमेंट एक ऐसी लाइन है युवा जल्दी उसको जागरूकता होती है, एक्सेप्ट करती है। अगर आप ऐसे जाके बोलने जाएंगे तो आपकी बच्ची इस बात को नहीं समझेगी, तो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको रिसर्च करने के बाद उसको एक कहानी रिसर्च किया, उसकी कहानी में रोके ऑडियंस तक लेके आ रहे हैं, तब इसके लिए फिल्म बने, और इसके लिए सही के लिए आवाज़ पहले किसी को आना ही पड़ता, तभी तो एक नया रास्ता बनता है। तो मैंने इसमें भूमिका निभा के मैंने अपना योगदान दिया, बिकॉज मैं एक अभिनेता से पहले एक भारतीय युवा हूँ, मैं अपने आप को काफ़ी खुशनसीब समझता हूँ, मैं सबको थैंकफुल देना चाहता हूँ, राज और सब लोगों को इंट्रोड्यूस किया, मुझे फिल्म में मौका दिया और मैंने इस फिल्म को उस कैरेक्टर को पूरा जिया, ताकि मैं जिसको जी कर ये मैसेज आप तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि जब तक अभिनेता नहीं उसको फील करेगा तब तक दर्शकों तक नहीं, हम तो आईना बनते हैं, आवाज़ तो उठ रहे हैं जी। इसको मैं अभिनेता को ये कहना चाहता हूँ कि इसको देखें और खास करके अपनी जो हर वर्ग की लड़कियाँ होती हैं, चाहे वो किसी से भी अपर कास्ट लोअर कास्ट, बिकॉज ये हमारी बहनों सिस्टर्स तक ये मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसको आप सिर्फ पिक्चर की तरह मत लें, जैसे सब ये लोग बोलते हैं हमारे डेटेड ये एक यज्ञ है, हमने इसमें आहूति दी, तो मैं सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ यहाँ पर भारतीय होने के नाते कि इस आहूति में एक योगदान दे, फिल्म देखें और एटलीस्ट आप जाके आपकी बहन जो भी आपकी लड़कियाँ होती हैं उनको बताएं, बिकॉज जब तक उनको सच तक पता नहीं चलेगा ना तब तक वो भटकी रहेंगी, और ये हमारा जीवन में एक उद्देश्य बन जाता है कि हम सच लोगों तक पहुँचाएँ। अच्छा मित्र, आपसे पर्सनल एक सवाल है, दूसरे लोग लगातार कश्मीर फाइल्स पर विवाद हुआ है, वही सवाल हम लोगों का, सवाल उठाने का काम हमें जवाब देने का, हम जरिया है उनकी बात को आप तक पहुँचाने के, हमारा कोई दृष्टिकोण है, हम चाहते हैं राकेश पांडे हैं, वही उत्तर प्रदेश का।
कि ये किस तरह की फिल्म का निर्माण किया गया है और कब ये रिलीज होंगी, इसमें क्या विशेषता है? और ये फिल्म पूर्णतः लव जिहाद पे बनी है। इस तरह झूठ बोल के अपना नाम बदल के फिल्म कलावा लगा के हमारी बच्चियों को ये फंसाने का काम कर रहे हैं और इसके आका इनको फंडिंग कर रहे हैं। अब देश का हिंदू जाग रहा है और हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ अगर ऐसा छलावा किया जाएगा तो ये देश अब उस मूड में नहीं है, वो सरकार नहीं है कि इनको माफ करेगी। अगर आपके अंदर दम है, हिम्मत है, तो अपना असली नाम बता के आइए, अपनी असली पहचान बता के आइए। आप झूठ बोल के आते हैं, आप अपना नाम बबलू बताते हैं, अपना नाम सबको बताते हैं और उसके बाद हमारी बेटियों को आप बरगलाते हैं और निकाह करते हैं उनसे जबरदस्ती। और वो बेटियाँ जो खुले में पूरी दुनिया देखती है उनको हिजाब पहनाने का काम करते हैं। उसके बाद अगर वो बेटी अपनी आप को बचाना चाहती है तो बड़ा दुख होता है जब हमारी बेटियों को केस में वहाँ पर दिया जाता है। ये फिल्म पोता हमारी बेटियों को जगाने के लिए है और हम ये संकल्प लेते हैं कि चाहे जैसे भी इस देश की हर बेटी को ये फिल्म दिखाएंगे और उनको ये कसम दिलाएंगे कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और इस तरह के लोगों का आधार कार्ड चेक किया जाए। राकेश जी, 6 मई को फिल्म रिलीज हो रही है, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शक आपसे कहेंगे, दर्शकों से हमें कुछ नहीं कहना है, दर्शक आपसे कहेंगे। ये देश बताएगा इस देश में कैसी फिल्में बननी चाहिए, ऊपर बैठे कुछ लोग नहीं डिसाइड करेंगे। और ये देश अभी आपको बताएगा, बॉलीवुड को बदलना पड़ेगा। ये देश अब तो इस पे राज करेगा और जैसे भी ऐसे फिरकाप्रस्त लोग हैं इस देश से उनका सफाया होगा। अगर इस देश में रहना है तो इस देश के संविधान को मानना होगा, सब कुछ ठीक से करना होगा। नाम बदल के छलावा करके आप अपनी बेटियों के साथ हम गलत खराब नहीं करें। इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? वाराणसी में हुई है। हमारा सौभाग्य है कि इस फिल्म की शूटिंग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हुआ है। ये पूरे फिल्म का